This 71 years old man received Padma Shri award this year, that is 2022. Why? ये प्रेस्टीजियस अवार्ड उनको अपनी लाइफ की 40 सालों की मेहनत के लिए मिला है. 40 सालों तक उन्होंने पाथ ब्रेकिंग रिसर्च करी ऑन डेथ कॉज्ड बाय स्टिंग ऑफ रेड स्कॉर्पियन. पद्मश्री से पहले 1982 में इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल द लैंसेट में उनके काम को पब्लिश किया गया. इनकी लाइफ स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है जो आपको भी सीखना चाहिए. हिज नेम इज डॉक्टर हिम्मत राव बावास्कर. ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 500 इन रूरल महाराष्ट्र टू अ पुअर फार्मर फैमिली इन 1950s. इनके पिताजी का मानना था कि एक ही रास्ता है जिससे इनकी गरीबी और मुश्किल दिन खत्म हो सकते हैं, वो है एजुकेशन. खेत, मंदिर, होटल, बुक शॉप, केमिस्ट शॉप, हर जगह इन्होंने काम किया ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके. हार्डशिप ने उन्हें बहुत मजबूत इंसान बना दिया और उन्हें ये अच्छे से समझ आ गया कि ही वुड हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ एंड नथिंग वुड कम ईजी वे. अब आता है इनकी लाइफ का अगला पड़ाव जब उन्होंने नागपुर से अपनी MBBS कंप्लीट करी और यहाँ भी मुश्किलों ने इनका साथ नहीं छोड़ा. ग्रेजुएशन के दौरान इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट चुका था और ये डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, बट ही रिकवर्ड. इनकी लाइफ का एक एसेट जो हर मुश्किल को चुनौती दे रहा था वो है हार्डवर्क. ही ज्वाइंड एज ए डॉक्टर एट महात तहसील ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. जब पहली बार उन्हें स्कॉर्पियन स्टिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च करने का डिसीजन लिया. सच एज सिम्टम्स आफ्टर स्टिंग्स, कॉजेज ऑफ डेथ, मेडिसिन दैट कैन वर्क. मॉडर्न डे में अगर किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट को रिसर्च करनी है तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जिससे आसानी से काम हो सकता है, लेकिन उस वक्त डॉक्टर हिम्मत राव बावास्कर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे. लेकिन यहाँ भी उन्होंने हार नहीं मानी. रात रात भर बिना सोए पेशेंट के पास बैठकर उन्हें ऑब्जर्व करना, उनके सिम्टम्स को मॉनिटर करना एंड नोटिंग सबटल चेंजेस. इट वॉज हिज कीन ऑब्जर्वेशन थ्रू नॉलेज एंड मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग दैट मेड द डिफरेंस इवन अ रिमोट एरिया. ही सेव्ड मोर देन 100 lives from the poisonous sting for which otherwise death was the only option. He always documented his research findings. He wrote them on paper by his hand. Dr. Himmat Rao Bavaskar apni puri life ek simple aur down to earth personality rahe hain. Padma Shri milne ke baad bhi unhone apne patient ka shukriya ada kara for believing in him and helping him with the resources. His getting the Padma Shri was a recognition for all the people who have worked with him and tried to serve the society. What lessons can we learn from Dr. Bavaskar's life? Well, a lot. Dedication, persistence, hard work, simplicity, willingness to serve the society are some of them. Dr. Bavaskar has earned everything the hard way. The techniques used by him may not be sophisticated, yet the dedication, efforts, and knowledge he has put in to sharpen those techniques have turned them into powerful weapons of his work. He highlights the fact that research should derive its roots from the real problems of people in the community and it should be directed to solve those problems. Do not cry over lack of resources or absence of options. Make a way by your own self and achieve big. This is it for today. For more such content, keep watching Brainiac Being.